हेलो स्टूडेंट, विनायक कॉलेज की ई ट्यूटोरियल क्लास में मैं डॉक्टर शिवेंद्र विक्रम सिंह आज आप लोगों को एथलेटिक्स खेल में जो तीन प्रकार की स्पर्धाओं का आयोजन होता है, जिसमें आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एथलेटिक्स खेल में दौड़ने वाली स्पर्धा, कूदने वाली स्पर्धा तथा फेंकने वाली स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है, उसमें से जो दौड़ने वाली स्पर्धा होती है उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि दौड़ने वाली स्पर्धाओं में कुल तीन तरह की स्पर्धा कराई जाती है। पहला छोटी दूरी की दौड़ें, जिसे कि हम स्प्रिंट रेसेस कहते हैं। दूसरा मध्यम दूरी की दौड़ें, जिसे कि हम मिडिल डिस्टेंस रेसेस कहते हैं। तथा तीसरा लंबी दूरी की दौड़ें, जिसे हम लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस कहते हैं। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि स्प्रिंट रेस यानी कि छोटी दूरी की दौड़ों में किन किन रेसेस को सम्मिलित किया गया है, मिडिल रेस में किन किन रेसों को रखा गया है तथा लंबी दूरी की दौड़ों यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस रेस में किन किन रेसेस को रखा गया है। ये जो सभी रेसेस हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक का जो हमारा गेम होता है, ओलंपिक गेमों में जो जो स्पर्धाएं सम्मिलित हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। जूनियर लेवल, सब जूनियर लेवल पे इन स्पर्धाओं को कम कर दिया जाता है। हम लोग यहां पर सीनियर लेवल के लिए बात करते हैं, तो जिसमें सबसे पहले स्प्रिंट रेस छोटी दूरी की दौड़ों में कौन कौन सी रेसेस आती हैं। 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, 100 मीटर बांधा दौड़, ये महिलाओं के लिए होता है। इसी तरीके से पुरुषों के लिए जो डिस्टेंस होती है बांधा दौड़ की, वो 110 मीटर हो जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि बांधा दौड़ जो होती है वो पुरुषों के लिए 110 मीटर और महिलाओं के लिए 100 मीटर की होती है। इसी तरह से 4x100 मीटर रिले रेस होता है, 4x400 मीटर रिले रेस होता है। इसके साथ ही साथ इसमें जो है 400 मीटर बांधा दौड़ भी होता है। अभी इस साल जो टोक्यो में ओलंपिक खेल होने थे उसमें एक नया एथलेटिक्स में खेल सम्मिलित किया गया है, जिसको कि 4x400 रिले रेस मिक्स नाम दिया गया है। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये खेल अभी जो टोक्यो जापान में होने वाला ओलंपिक था इसमें सम्मिलित किया गया है, जिसमें जो है दो महिला रहेंगी और दो पुरुष रहेंगे, इसीलिए इसे 4x400 मीटर रिले मिक्स रेस नाम दिया गया है, जो कि 2020 टोक्यो ओलंपिक में होना था। मध्यम दूरी की दौड़ों में 800 मीटर और 1500 मीटर की रेसेस कराई जाती हैं। इसी तरीके से लंबी दूरी की दौड़ों में 3000 मीटर स्टिपल चेज कराया जाता है। स्टिपल चेज में जो है तमाम बाधाएं रखी जाती हैं, जिसके बारे में आपको जब स्टिपल चेज अलग से बताया जाएगा तो वहां पे बताया जाएगा। इसके अलावा 5000 मीटर की रेस, 10000 मीटर की रेस, मैराथन दौड़ जिसकी जो दूरी होती है वो 42.195 किलोमीटर की होती है, 20 किलोमीटर की पैदल चाल होती है, 50 किलोमीटर की पैदल चाल होती है। ये इतनी लंबी दूरी की दौड़ें कराई जाती हैं। इसके अलावा एथलेटिक्स में दो खेल और सम्मिलित किए जाते हैं, जिसे डेकाथलान और हेप्टाथलान नाम दिया जाता है। डेकाथलान की प्रतियोगिता जो होती है पुरुषों के लिए होती है, जो कि कुल 2 दिनों में आयोजित की जाती है, जिसमें कुल 10 इवेंट्स रखे जाते हैं। इसी तरीके से हेप्टाथलान जो गेम होता है ये महिलाओं के लिए आयोजित किया जाता है, ये भी 2 दिनों में कराया जाता है, जिसमें कि कुल जो है 7 इवेंट्स रखे जाते हैं। यानी कि डेकाथलान में 10 इवेंट्स और हेप्टाथलान में 7 इवेंट्स रखे गए हैं।
इसके बाद हम लोग जो है फेंकने वाली और कूदने वाली स्पर्धाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।